अंक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति पांडे। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज के हेडलाइंस पर। सिविल कोर्ट परिसर में बिरसा मुंडा दाल भात योजना की हुई शुरुआत। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कई न्यायिक अधिकारियों ने किया विधिवत उद्घाटन। सस्ते दर पर कोर्ट आने वालों को मिलेगा भरपेट भोजन। साइबर थाना के नाम फिर दर्ज हुई एक उपलब्धि। डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में बेंगाबाद थाना क्षेत्र में मारा गया छापा। 6 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। प्रशिक्षु आईपीएस मुकेश लुनायत ने पचम्बा थाना क्षेत्र के बाबा जी कुटिया के समीप दी दबिश। भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ बरामद। कई धंधेबाजों की भी हुई गिरफ्तारी। और एक युवती के साथ मछली मोहल्ला निवासी सोनू अंसारी ने की मारपीट। महिला थाने में मामला हुआ दर्ज। घायल युवती का सदर अस्पताल में कराया गया इलाज। घायल ने आरोपी पर कार्रवाई की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह सिविल कोर्ट प्रांगण में मंगलवार को बिरसा मुंडा दाल भात योजना के तहत भोजनालय का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के हाथों विधिवत रूप से कराया गया। बताया गया कि इस भोजनालय के खुल जाने से यहां दूर दराज से आने वाले लोगों को अब काफी सहूलियत होगी। गिरिडीह सिविल कोर्ट प्रांगण में मंगलवार को बिरसा मुंडा दाल भात योजना के तहत एक भोजनालय का विधिवत उद्घाटन गिरिडीह के दंडाधिकारी दीपक नाथ तिवारी ने फीता काट कर किया। ओम गणेश जानम भूत गणाधि सेविदम कबीत जम्बूत ओम सर्व मंगल मंगले श्री सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुनरीकाक्षाय मंगला स्तनो हरि। मौके पर उन्होंने अपने हाथों से कईयों को भोजन भी परोसा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो लोग दूर दूर से किसी मामले के लिए आते थे और यहां भोजन की सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, वैसे लोग घर से ही अपने लिए भोजन को बांध कर आते थे। उसी को ध्यान में रखकर गिरिडीह के डीसी के समक्ष यह बात रखी गई थी। उपायुक्त के प्रयास से ही इस गिरिडीह कोर्ट कैंपस में यह योजना चालू हो पाई है। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी गुणवत्ता पर भी काफी ध्यान यहां रखा जाएगा। उद्घाटन मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तन समेत कई न्यायिक अधिकारी अधिवक्तागण व पीएल भी मौजूद रहे। जब डीएलएसए को कंबल वितरण करने का दायित्व मिला था तो उसमें मैंने डीएलएसए सेक्रेटरी साहब को ये निर्देश दिया था कि कंबल जरूरतमंद लोगों को खोज के देना है जिनको बहुत आवश्यकता है। और उसी दौरान पीएलबीज के माध्यम से गांवा ब्लॉक के पिहरा गांव में एक हम लोग सर्वे करवा के 50 कंबल बांटे थे। और वहां जो रास्ता हमने देखा तो ये भीतर से क्वेरी के हमने पूछा लोगों से तो बताया कि यहां सुबह 5 बजे वो बस से चलते हैं और यहां कचहरी पहुंचते हैं और खाने के लिए वो यहां बैठ के चूड़ा या सत्तू चूड़ा फाँकते हैं या सत्तू खाते हैं। तो ऐसे स्थिति में मैंने अपने डीएलएसए के वाइस प्रेसिडेंट जो डीसी साहब हैं उनको हमने एक पत्र लिखा कि यहाँ सब्सिडाइज रेट में भोजन की व्यवस्था की जाए जो भी सरकारी कार्यक्रम है। उसी के तहत डीसी साहब ने यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए
निर्देश दिया और उसी की परिणति है कि 5 रुपये में भरपेट भोजन देने की यहाँ व्यवस्था की गई है। और हम लोग इसमें वाचफुल हैं, किसी क्वालिटी भी हम लोग मेंटेन कराएंगे, क्वालिटी गिरने नहीं देंगे और इसे कभी बंद नहीं होने देंगे। और ये सुदूर गरीब जो लोग आते हैं या लिटिगेंट जो आते हैं उनके लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था हम लोग यहाँ करेंगे। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस को फिर एक बार बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद से 6 साइबर अपराधियों को दबोच लिया है। सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। ग्राहकों के बैंक खाता में डाले गए मोबाइल नंबर को हैक कर डुप्लीकेट सिम निकाल कर बैंक खाता से अवैध तरीके से रुपया निकालने वाले 6 साइबर अपराधियों को गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। वहीं इस ठगी को अंजाम देने वाला मुख्य सरगना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपय गांव निवासी महेंद्र मंडल भागने में सफल रहा। इन आरोपियों के द्वारा बिरने थाना क्षेत्र के भरकट्टा बालीडीह निवासी संजय तरवे के खाते से 1,57,000, भतुडीह निवासी दिलीप सिन्हा के खाता से 1,10,000 और खरखुंदो निवासी बालेश्वर यादव के खाता से 96,000 रुपए की ठगी की गई थी। तीनों का खाता इलाहाबाद बैंक शाखा भरकट्टा बाजार में है। तीनों के आवेदन दिए जाने के बाद साइबर पुलिस द्वारा जिस मोबाइल नंबर से ठगी की गई थी उसका CDR निकाला गया। उसके उपरांत मोबाइल लोकेशन के आधार पर DSP संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुसरोटार स्थित जंगल के पास छापेमारी की गई, जिसमें मौका वारदात से बिशनपुर निवासी सीताराम मंडल, राजकुमार मंडल, फुसरोडीह निवासी सुरेंद्र मंडल, राहुल मंडल, दूधीटाड़ निवासी मुकेश कुमार को साइबर अपराध को अंजाम देते दबोच लिया गया। सभी साइबर अपराधी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हैं। इस संबंध में साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया है। बरामद सिम कार्ड गिरिडीह शहर स्थित अम्बे टेलीकॉम, शिव मंदिर गिरिडीह के केदार सिंह व कुंदन इलेक्ट्रॉनिक्स बरमसिया से जारी की गई है। पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी हुई है। बिरनी थाना क्षेत्र के 3 लोगों के साथ ठगी हो गई है पिछले दिनों, जिसमें अलग अलग अमाउंट है, कुल मिला के 5 लाख से ऊपर का फ्रॉड हुआ है और इसमें सिम स्वैपिंग के जरिए इन लोगों ने ठगी की है। किसी तरह से इन्होंने तीनों जो विक्टिम्स हैं उनका आधार किसी तरह से फॉर्ज किया है, उसमें फ़ोटो अलग अलग लगा करके इन्होंने सिम अपने नाम से जारी करवा लिया। और फिर जब चूँकि सिम अपने नाम से लग गया तो OTP वगैरह सब आने लगा उनके मोबाइल में और इसी तरह उन्होंने फ्रॉड किया है, जिसमें कुल मिला के 5 लाख से ऊपर की इसमें ठगी की गई है। और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके भेजा गया है इस केस में और उसकी निशानदेही पर अन्य 6 लोगों को इसमें अरेस्ट करके भेजा गया। प्रगतिशील व नए उद्यमियों के लिए 3 NGO ने मिलकर एक स्वालंबन कनेक्ट केंद्र की शुरुआत की है। सोमवार को मेयर सुनील पासवान ने इस केंद्र का उद्घाटन विधिवत रूप से किया। स्वयंसेवी संस्था सिडबी, लेटर्स इंडोवर्स और हेल्प फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रगतिशील व नए उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए एक स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र का उद्घाटन मेयर सुनील पासवान एवं DRDA निदेशक के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विशेष प्रवेश कराते हुए संस्था के सचिव रितेश चंद्र ने स्वावलंबन केंद्र की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को बतलाया। इसके बाद DRDA के निदेशक आलोक कुमार ने उद्यमिता के विभिन्न घटकों एवं दृश्य आसपास के उदाहरणों से परिचित कराया और केंद्र को उद्यमियों का सहायक बतलाते हुए सिडबी और लेटर्स एंड रोवर्स के इस अभिनव पहल पर बधाई दी। वहीं मुख्य अतिथि सुनील पासवान ने जिले के उद्यमियों के लिए सहायक बैंक व उद्यमियों के बीच के सेतु के रूप में परिभाषित करते हुए टीम को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन संस्था के अध्यक्ष मुकेश रंजन सिंह ने किया। कार्यक्रम में मनरेगा PO बसंत कुमार, PO आवास योजना राजेश बोस, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट प्रोग्राम नाबार्ड एवं एकल विद्यालय प्रबंधन के समन्वयक मृत्युंजय कुमार एवं PMKVY कोऑर्डिनेटर आशुतोष समेत अनेक कई संबंधित लोग मौजूद रहे। समझाएं कि प्लान कैसे बनता है।
तो वो सब की तैयारी थी, उसको हम लोग अपनाते हुए ये सब किए हैं। और एक मॉडल हम लोग डेवलप किए थे गांडे में फ्लोरी कल्चर का, गेंदा फूल का गार्डन लगाया, ये देखने के लिए कि क्या मुनाफा है क्या नुकसान है। तो ये एक मॉडल था गवर्नमेंट का जो हम लोग चलता है योजना, जैसे उसमें जाके हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ बच्चों को वापस भी लाया था ट्रैफिकिंग वाले में से, कुछ बच्चियों को हम लोग जाके लाए थे जो यहाँ से चली गई थी, ट्रैफिकिंग था एक का, एक हुआ वो है। हेल्थ में हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, जो अलग अलग प्रोग्राम इमिनेशन का हुआ या मैटरनल हेल्थ। सदर अस्पताल परिसर इन दिनों अवैध पार्किंग स्थल में तब्दील हो गया है। पूरा परिसर वाहनों से भरा रहता है जिससे मरीजों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। सदर अस्पताल परिसर में अवैध पार्किंग की वजह से हर दिन मरीजों और उनके परिजनों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। पूरा अस्पताल परिसर टू व्हीलर और फोर व्हीलर से भरा रहता है जिससे इमरजेंसी चिकित्सा के लिए आने जाने वाले मरीजों को बेहद परेशानी हो रही है। बताया गया कि अवैध पार्किंग की वजह से अस्पताल का गेट भी जाम हो जाता है जिससे एम्बुलेंस को निकलने और अंदर प्रवेश करने में काफी वक्त लग जाता है। मंगलवार को भी कुछ ऐसी ही स्थिति सदर अस्पताल परिसर की थी। यहाँ गाड़ी कैसे लगा है? कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ गाड़ी लगा के कहाँ जा रहे हैं? कचहरी में। आप कचहरी के काम से हॉस्पिटल में गाड़ी लगाए हैं, क्या कारण? कहाँ से आए? क्या नाम हुआ? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप? इसको लेके आए हैं। कहाँ पर? चंबा थाना के बाबाजी कुटिया के समीप पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। मौके से कई धंधेबाजों को भी पुलिस ने दबोचा है। चंबा थाना क्षेत्र के बाबाजी कुटिया मोड़ के समीप प्रशिक्षु आईपीएस मुकेश लुनायत के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जानकारी दी गई कि ओपन कास्ट व आसपास के इलाकों से कोयला चोरी कर धंधेबाज इसे बैलगाड़ी और साइकिल के माध्यम से बिहार बॉर्डर पर इकट्ठा कर रहे थे और वहां से ट्रक के माध्यम से बिहार भेजने का सिंडिकेट चला रहे थे। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और अवैध कोयला को कब्जे में लिया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के कुछ ही घंटों के बाद फिर से धंधेबाज इलाके में सक्रिय हो गए और अवैध कोयला का खेल चालू हो गया। हर माह 8 और 25 तारीख को दिव्यांग जांच शिविर लगता है। मंगलवार भी अस्पताल में दिव्यांग जांच शिविर लगाया गया जिसमें 60 से 70 दिव्यांगों की जांच कर उन्हें दिव्यांगता के प्रतिशत का प्रमाण पत्र दिया गया। यहां डॉक्टर फैजल अहमद, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर राजीव कुमार मौजूद रहे। इन चिकित्सकों के पैनल ने सभी दिव्यांगों की जाँच की और उन्हें उनका प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। एक्सीडेंट हुआ है और ऑपरेशन भी हुआ ना? कब हुआ है? 6 साल। कहाँ चोट करा? लीड पार्टी में चोट करा। हाथ उठाता है वाला? कुछ नहीं करता है। ये तो आज दिनांक 25 तारीख को
विकलांग बोर्ड का गठन किया गया है हर माह के भांति, और इसमें करीब करीब 60-70 मरीजों का विकलांग का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा देखने के पश्चात। और बीबीसी रोड की रहने वाली बिल्किस प्रवीण ने नगर थाने में आवेदन देकर उनके मकान में संचालित हो रहे दो दुकानों को खाली कराने की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि उसके पति की मौत हो चुकी है और अब वह स्वयं अपना रोजगार करना चाहती है। शहरी क्षेत्र के बीबीसी रोड में रहने वाली मरहूम कमरुद्दीन आलम की पत्नी बिल्किस प्रवीण ने नगर थाना प्रभारी को एक आवेदन देकर इनके मकान में भाड़े पर चल रहे दो दुकानों को खाली करवाने की गुहार लगाई है। बिल्किस प्रवीण ने इस आशय की प्रतिलिपि भारत सरकार और राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारियों को भी दी है। इस बाबत बिल्किस प्रवीण का कहना है कि इनके पति ने काफी कम शुल्क में अपने मकान को भाड़े पर दिया था, जिसमें दो दुकान संचालित हैं। अब पति के नहीं रहने पर उनकी माली हालत खराब हो गई है और बच्चों के गुजर बसर के लिए स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है। इसके लिए इन्होंने किराएदारों को खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन किराएदार इनके मकान को खाली नहीं कर रहे हैं और उल्टा इन्हें धमकी भी दे रहे हैं। इन्होंने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। सर जगह एप्लीकेशन दी हुई है, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मेरा काम कार्रवाई नहीं हुआ, और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरा दुकान खाली करवाया जाए। मेरे हस्बैंड के द्वारा लगाया गया था दुकान किराए में, और अभी हमको वो दुकान की ज़रूरत है। हम अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए हम वो दुकान शुरू करना चाहते हैं, इसलिए मेरे दुकान को खाली करवाया जाए और जल्द से जल्द खाली हो करवाया जाए। कहाँ पर दुकान है? दुकान मेरा बीबीसी रोड में है, दो रेंटर है। किनको दिए नाम? अफ्ताब आलम और आशीष अग्रवाल, दोनों से दिए हुए हैं। क्या अभी आप जा रहे हैं उसको खाली कराने? हाँ, अभी जा रहे हैं खाली करवाने के लिए, तो वो हमको धमकी धमकी देता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, मारने का भी धमकी देता है। उसका 10 साल हो गया, एक का एग्रीमेंट खत्म हो गया है, वो फर्जी बना करके थाना में दिए, और एक का भी 2-3 महीना बाकी है। इसलिए पहले से हम उन लोग को बोल रहे हैं कि खाली कर दिया जाए, मेरा दुकान खाली नहीं कर रहे। कहाँ रहते हैं आप? हम स्टेशन रोड में रहते हैं। क्या नाम है आपका? सोनम कुमारी नामक एक युवती ने मछली मोहल्ला के रहने वाले सोनू अंसारी पर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया है। घायल युवती ने इस संबंध में एक आवेदन महिला थाने में दिया। पुलिस ने युवती का इलाज सदर अस्पताल में करवाया। न्यू बरगंडा के बैंक ऑफ इंडिया भवन में किराए के मकान में रहने वाली सोनम कुमारी ने मछली मोहल्ला के रहने वाले सोनू अंसारी पर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सोनम ने महिला थाने में आवेदन दिया है, जिसके बाद महिला थाने की पुलिस ने इसे इंजरी कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में सबसे पहले सोनम का इलाज किया गया, जिसके सर पर 4 टाके लगाए गए। बताया गया कि लोहे के हसिये से वार कर इसके सर को जख्मी कर दिया गया है। सोनम का कहना है कि सोनू अंसारी उसे पिछले साल भर से परेशान कर रहा है, हमेशा ही उसके घर में जबरन घुसकर उसके साथ मारपीट गाली गलौज किया करता था। पूर्व में भी इसको लेकर थाने में आवेदन दिया गया था, जहां से सुलह समझौता कराया गया था, लेकिन एक बार फिर सोनू ने इस पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया है। क्या नाम है? सोनम कुमारी। कहाँ रहते हैं? बैंक ऑफ इंडिया में। क्या हुआ आपके साथ? कल मेरे साथ में हम कल घर गए थे, हम 2-3 महीना से यहाँ पर हम नहीं थे, हमारे घर में कुछ काम पड़ा था, इसलिए भाग दौड़ अपना घर से पीछे करते थे। इसके बाद उसके साथ में सब लड़का उड़ता रात साथ पढ़ने में कितना दिन 8-9 महीना हो गया, फिर भी वो लड़का मेरे घर पर आता जोर जबरदस्ती करता, मारपीट मेरे साथ में करता है, बोलता तुम ये नहीं को वो नहीं को ये सब भी मत करो, काम भी नहीं करो। दो दिन से भी हमको रहा, जब कुछ बोलते हैं तो देवकांत भैया को पुलिस फोन कर देता है, देवकांत उधर से टोचर हमको करता है, बोलता उठा के अंदर कर देंगे सीधे। क्या लगते हो? हमें कुछ नहीं लगता है, वो बस दोस्ती था, बस उसी में बच्चा हेलमेट भी होता था, बस बस ऐसा तो कुछ भी ऐसा नहीं। मारपीट कब हुआ? ये मारपीट 7:30-8 बजे का लगभग में हुआ। कारण क्या है?
कारण कुछ भी नहीं है। वो बोल रहा था तुम कहाँ गई थी, तो आखिर में हम जाएंगे अपना घर से काम में तो हम उसको क्यों बताएं, और आखिर में काहे बताएं उसको। हमेशा ही एकदम 8-9 महीना से हमेशा कर रहा है, 1.5 साल से ही लड़का एकदम। कहाँ रहता है लड़का? ये मछली मोहल्ला में रहता है। क्या नाम? सोनू अंसारी। पहले आवेदन दिए हैं आप लड़का लाते हैं आपको? हाँ पहले से आवेदन है, वो दिया हुआ है, ये चीज बोर्ड पेपर बना हुआ थाना में, ये देवकांत भैया के पास में है। ये आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिर भी देखिए ये कांड मेरा साथ में हुआ। मारपीट हुआ, इसका आवेदन दिया थाना में? हाँ मेरा थाना में सब दिया हुआ है, इसका बॉन्ड पेपर भी बना हुआ थाना में भी, कि तुम आज इसके साथ पीछा छोड़ दो, आना जाना भी इसके साथ में छोड़ दो। फिर भी लड़का नहीं मानता, इससे पहले हम दिल्ली में थे, वहाँ जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा वहाँ से हमको कुछ परेशान रहा। क्या चीज़ से वार किया? ये लोहा से वार किया, जो हसुआ काटने वाला नहीं रहता है उससे। तब मेरा भाई को ही टॉर्चर करने लगा ये लड़का, छोटा भाई को, कि तुमने आगे मेरा भाई को ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर एक दो बार मेरा भाई को परेशान किया, इसके बाद मेरा भाई बोला दीदी तुम वहाँ जल्दी, रोने लगा। तब हम आए तभी लड़का को उसको बोले कि देखो तुम इसको कुछ मत करना, जो तुम बोलेगा मुँह करने के लिए तैयार है। आखिर मैं आप इस तरह से कहा करता हूँ। बेमौसम बारिश ने शहरवासियों की दिनचर्या बिगाड़ कर रख दी है। मंगलवार को अचानक हुई बारिश से लोग परेशान हो उठे हैं। बेमौसम बारिश ने जहां शहरवासियों की दिनचर्या को प्रभावित किया है, वहीं जाते हुए ठंड को फिर से वापस ले आया है। मंगलवार को अचानक आसमान पर घटा टोप बादल छा गए और देखते ही देखते दूसरे पहर में झमाझम बारिश होने लगी। बिजली की चमक के साथ साथ जोरदार बारिश हुई और शहर देखते देखते सुनसान हो गया। मुख्य मार्ग पर आवागमन भी बंद हो गया। इस बाबत लोगों ने कहा कि बेमौसम बारिश से इनकी परेशानी काफी बढ़ गई है। लोगों ने कहा कि ठंड करीब करीब समाप्ति की ओर थी, लेकिन यह बारिश ठंड को पुनः वापस ले आई है। समूचा देह एकदम पूरा सिहर रहा है बाबू, क्या कहने, बुरा आदमी। चाय बेचना जरूरी है, चाय बेचने चलते हैं। ठंडा बड़ी जोर पड़ गया अचानक, दिन भर अचानक बारिश होने के कारण विद्यार्थी लोग को बहुत नुकसान हुआ है, और कांपते हुए बच्चे लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ा गंभीर मसला है, होनी नहीं चाहिए। बहुत परेशानी बढ़ गई, लोगों आने जाने में बहुत असुविधा। ये सभी समस्याएं मानव ने उत्पन्न किया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कत्ल खाने होने से एक गम का वायरस उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आना, समुद्री लहर आना, अनेक तरह की विपत्तियां हो रही है। अचानक बारिश होने के कारण परीक्षा देने वाले बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है और ठंड भी हो गया, और इस वक्त छुट्टी होने के टाइम इस जगह पर इतनी रोड जाम होती है, किसी तरह का भी कुछ दुर्घटना होने का संभावना हो सकता है। हो रही है, मौसम विभाग ने थोड़ा आगाह किया था 25-26 को वर्षा होने की संभावना है, लेकिन आज देखने को मिला कि मौसम विभाग का भी ये संभावित स्थिति बिल्कुल सही है। आज के डेट में वर्षा हो रही है, गर्म हो जाएगा, लेकिन अचानक भी ठंडा बढ़ गया, और फिर लगता है कि एक सप्ताह तक ठंडा बढ़ गया, और किस समय गर्मी आएगा किस समय ठंडा आएगा इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। अब तो विज्ञान इतना तेज़ हो गया है, लेकिन अब विज्ञान पहले पता लगा लेता है कि कब किस तरह का मौसम आना है, और अचानक आज एकाएक ऐसा मौसम हुआ है इससे बहुत काफ़ी ठंडा हो गया है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अभी परीक्षा के समय में है, बहुत सारे परीक्षार्थी भी लोग जा रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब मौसम इसी रूप में ऐसा बढ़ा है कि ठंडा बहुत तेजी से बढ़ गया है, और अब ठंडा ज्यादा। अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिविल कोर्ट परिसर में बिरसा मुंडा दाल भात योजना की हुई शुरुआत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कई न्यायिक अधिकारियों ने किया विधिवत उद्घाटन। सस्ते दर पर कोर्ट आने वालों को मिलेगा भरपेट भोजन। साइबर थाना के नाम फिर दर्ज हुई एक उपलब्धि। डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में बेंगाबाद थाना क्षेत्र में मारा गया छापा, 6 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। प्रशिक्षु आईपीएस मुकेश लुनायत ने पचम्बा थाना क्षेत्र के बाबा जी कुटिया के समीप दी दबिश,
भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ बरामद, कई धंधेबाजों की भी हुई गिरफ्तारी और एक युवती के साथ मछली मोहल्ला निवासी सोनू अंसारी ने की मारपीट, महिला थाने में मामला हुआ दर्ज, घायल युवती का सदर अस्पताल में कराया गया इलाज, घायल ने आरोपी पर कार्रवाई की लगाई गुहार। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।